नमस्कार, स्वागत है आपका ICB 24 हिंदी न्यूज में। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 4.5% से ज्यादा हो गई है। प्रदेश की सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है बढ़ते कोरोना केसों को नियंत्रित करने के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ने लगी है। रविवार को भोपाल में 241 तो प्रदेश में 743 नए मरीज मिले। जनवरी के बाद यह इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राजधानी में 7 जनवरी को 213 केस मिले थे। इसके बाद केस में लगातार कमी आ रही है, लेकिन मार्च में स्थिति एकदम बदल गई। प्रदेश में संक्रमण दर 4.5% से ज्यादा हो गई है, जबकि जांच अभी भी बढ़ाई जा रही। अब भी हर दिन 16,000 ही सैंपल जांचे जा रहे हैं। हालात बिगड़ते देख गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। अब महाराष्ट्र में सीमावर्ती जिलों में मध्य प्रदेश आने वालों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। होम या इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन होगा, ये फिलहाल तय नहीं है। जिलों का कहा गया है कि भोपाल, इंदौर के साथ महाराष्ट्र की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के जिलों बालघाट, शिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़ावनी और बुरहानपुर में कोई भी बंद हॉल में कार्यक्रम किया जाता है तो उसमें लोगों की 50% या अधिकतम 200 होगी। इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाने पर सोमवार को फैसला हो सकता है।